जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। अब सभी लाडली बहनों को 1250 रुपए नहीं, 3000 रुपए नहीं, सीधे 5000 रुपए प्रतिमा देने की बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर आप लोग पत्र में भी देख सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है, फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको इसी तरह सरकारी योजनाओं की खबर आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, लाडली बहना योजना पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मई 2023 में शुरुआत किया गया था, जिसके बाद सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह मिलना स्टार्ट हुआ था और इसे अभी वर्तमान समय में 1250 रुपए हर महीने दिए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले भी कहा था कि यह राशि धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपए तक की जाएगी और अब इस योजना में राशि में वृद्धि को लेकर 5000 रुपए प्रतिमाह लेकर मांग उठ रही है। यानी कि अब सभी लाडली बहनों को हर महीने 5000 रुपए दिए जाने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि यह मांग विधायक कमलेश्वर डोडियार के द्वारा की जा रही है। उन्होंने सीएम मोहन यादव को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया गया है, महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को लाडली बहना योजना के तहत दी जाने वाली राशि जो रुपए है 1250 रुपए से उनके मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति की जाना संभव नहीं हो पा रहा है। लाडली बहना योजना की राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए की जाएगी तो लाडली बहनों को आर्थिक स्वलंब प्रदान करने और उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार एवं परिवार उनकी निर्णायक भूमिका मजबूत हो पाएगी, साथ ही आत्मनिर्भर होकर सशक्त महसूस करेगी। इस प्रकार उन्होंने लिखकर बताया है और इन्होंने अंत में बताया कि आपसे विनम्र आग्रह है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किए जाने की कष्ट करें। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार कई अलग अलग न्यूज और आर्टिकल के माध्यम से बताया जा रहा है कि अब लाडली बहनों को हर महीने 5000 रुपए प्रतिमाह मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को इस बार से ही 5000 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक इस पत्र को लेकर सीएम मोहन यादव के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। तो दोस्तों, ये पूरा डिपेंड करता है मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव पर। अगर सीएम मोहन यादव चाहेंगे कि लाडली बहनों को हर महीने 5000 रुपए दी जाए तो दोस्तों आप लोगों को 5000 रुपए हर महीने जरूर दिए जाएंगे। अगर नहीं चाहेंगे तो आप लोगों को जो राशि दी जा रही है वही आप लोगों को राशि मिलती रहेगी और आगे जाकर के हो सकता है बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर के अभी तक इसी प्रकार यहां पर जो मांग चल रही है। और बाकी दोस्तों, 13वीं किस्त की राशि में 1250 रुपए मिलती है, 1500 मिलती है, या 3000 या 5000, जो भी मिलेगा आपको 13वीं किस्त में ही पता चल जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि अभी तक किसी भी लाडली बहनों को 13वीं किस्त की राशि ट्रांसफर नहीं हुई है। 13वीं किस्त की राशि अब हो सकते हैं कि आप लोगों को 10 जून 2024 को ही ट्रांसफर की जाएगी, क्योंकि लाडली बहना योजना की जो भी राशि आती है वो 10 तारीख को ही ट्रांसफर की जाती है। पिछली बार कई किस्तें 10 तारीख से पहले ही ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन इस बार लोकसभा इलेक्शन को लेकर टाइम पर नहीं भेजा गया, तो हो सकता है कि इस बार आप लोगों को 13वीं किस्त की राशि 10 जून को ट्रांसफर की जाए। आई होप ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानकारी मिला होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।